नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर। यूपी में अब हमार ससुराल बा, नेहा सिंह राठौर ने की शादी तो बीजेपी नेता और लोक गायकों ने कसा तंज। यूपी में काबा गाने से चर्चा में आई लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अम्बेडकर नगर निवासी हिमांशु सिंह से शादी कर ली। नेहा सिंह राठौर के यूपी की बहू बनने पर भारतीय जनता पार्टी एमएलसी और कई लोक गायकों ने तंज कसा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी में काबा गाने से चर्चा में आई लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने शादी कर ली है। यूपी के अम्बेडकर नगर निवासी हिमांशु सिंह से उन्होंने 21 जून को शादी की। नेहा सिंह राठौर के यूपी की बहू बनने पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एमएलसी और कई लोक गायकों ने तंज कसा है। हिमांशु और नेहा की सगाई पिछले साल हो गई थी। सूर्यकांत सिंह के पुत्र हिमांशु सिंह मूल रूप से अम्बेडकर नगर के थाना महरुआ के गांव हीरी पकड़िया के रहने वाले हैं। जून 2021 में शादी होने से पहले हिमांशु की मां उषा सिंह कोविड की चपेट में आ गई और उनका निधन हो गया। परिवार में हुई इस दुखद घटना के बाद इनकी शादी टल गई थी। ऐसे में चर्चा में आई नेहा सिंह राठौर। बिहार के मूल निवासी नेहा सिंह राठौर यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान उस समय चर्चा में आई जब उन्होंने यूपी सरकार पर तंज कसते हुए यूपी में काबा गाना गाया। उनका यह गाना चुनावी माहौल में विपक्षी पार्टियों को काफी पसंद आया, लिहाजा यह इतना वायरल हुआ कि हर किसी की जुबान पर आ गया था। बाद में नेहा सिंह राठौर ने इसका पार्ट 2 और 3 भी गाया था। आलम यह था कि नेहा के जवाब में बुंदेलखंड की एक लोक गायिका अनामिका अंबर और मशहूर एक्टर व गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने जवाबी गीत यूपी में ये बाग गाया। अब लोक कलाकार और भाजपा नेता ने कसा तंज। यूपी में काबा गाकर नेहा सुर्खियों में आ गई थी, अब उसी को लेकर उन पर तंज कसा जा रहा है। मशहूर लोक गायिका वंदना मिश्रा कहती हैं कि अब यह साबित हो गया है कि नेहा सिंह राठौर ने विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी को लेकर भ्रम फैलाया था। वही हास्य व्यंगकार ताराचंद तन्हा कहते हैं अब नेहा को गाना चाहिए यूपी में हमार ससुराल बा। इसके अलावा भाजपा एमएलसी हरिओम पांडे ने कहा उस वक्त चुनावी समय चल रहा था और यूपी में विपक्ष के साथ मिलकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए स्टंट किया गया था। महज खुद को हाईलाइट करने के लिए अब उसी यूपी में शादी भी कर ली और शरण भी ले लिया, इसलिए हम लोग पहले से कह रहे थे यूपी में सब। रिपोर्टर आरपीएस समाचार टीम। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।